うるせえ。ペラペラペラペラ戦いは。ペラペラ戦いは。सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले वन ब्लॉक और एक मिनट। अबे कितने सारे बंदे हैं यहाँ, यहाँ पे एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अबे रुक जाओ ना, अबे कोई एक बंदा ब्लॉक तो तोड़ो यार, कोई जल्दी से वो ब्लॉक तोड़ के जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया, अब थोड़ी देर लैंड बना दिया हम लोगों ने, वरना यहाँ पे सब एक दूसरे को फेंक रहे उठा उठा के। भाई इस सैपलिंग को लगाया था, वुड मिलेगी हमें। यहाँ पे आइटम की बहुत कमी पड़ने पड़ी है, क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही है वन ब्लॉक का सर्वर है यार। और यहाँ पे अब हम प्लैंक निकाल लेता हूँ, ये पता नहीं क्यों कैसे लगा रहा है प्लैंक। मैं इसको लैंड बनाता हूँ जल्दी से, पता चले और बंदे आए और यहाँ एक दूसरे को फेंक रहे हैं, सामान भी डूब गया हमारा। मैं ऐसा करता हूँ, कीप इन्वेंटरी कर देता हूँ गाइस। एक तो हीटिंग करनी पड़ेगी, वरना ये एक दूसरे को फेंक फेंक के ना सामान सारा गायब कर देंगे। और इसमें तुम्हें मालूम है कितना सारा सामान लिमिटेड है। तो ओए एक मिनट, वो टाइमर आ चुका है, हमने बहुत सारे ब्लॉक तोड़ चुके हैं। अब दूसरा मतलब उसमें बायो में जाने वाले हम, जैसे कि कोई और अलग बायो आने वाला है, जैसे कि स्टोन टाइप आने वाली चीज़ें। यहाँ पर लगाता हूँ ये क्ले ब्लॉक, क्या सोच रहा है, कह रहा हूँ मैं क्ले ब्लॉक ही लगाया था यहाँ पे। वैसे भी लैंड की बहुत कमी है, देखो लोगों की लड़ाई इन दोनों में, ये लड़ाई करते रहते हैं यार, वन ब्लॉक में ऐसी होती रहती है। और ठीक है, जल्दी से वो आर्मर मिल गया एनिमेश को, और जल्दी से देखता हूँ यहाँ पे। ओए फेंक दिया इस वन को तूने, वो काऊ आ चुकी है। एक मिनट, ये एक टांग से खड़ी है एक प्लैंक पे, नामुमकिन। किसी बंदे ने पिकैक्स नहीं बनाई, सब स्टोन तोड़ दे अपने हाथों से। भाई क्या बनेगा, क्या भाई क्या करेगा तू, स्टोन तोड़ेगा हाथ से, इतना ताकतवर हो जाएगा तू। उतरी रिजवान ने उसे फेंक दिया अपना बदला पूरा करने के लिए। और अब ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हमें आइटम मिल चुका है। वाटर बकेट से मैं वाटर लगाया था चारों तरफ, ताकि क्रीपर भी पर आए तो वो हमको क्रीप हमारे ब्लॉक ना फोड़े और हम सबको ले ना डूबे। और यहाँ पे मेंढक आ चुके हैं। और हाँ, ये वन ब्लॉक का सर्वर 1.20 का मैं बोल ही रहा था, और यहाँ पे मेरे को मिल चुका है 1.20 का अनोखी चीज़ स्नीफर एग, वो भी दो दो, यानी कि हमें से बीट कर सकता है, दो मिले हैं हमें। उसने चेस्ट तोड़ी और जल्दी से माल नीचे गिरता है, इससे पहले मैंने ले लिया। और यहाँ पे दो फ्रॉग हो चुके हैं, इनको भी ब्रीड कर लेंगे अगर ये बचे रहे तो, वरना ये कूद 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 के ये यही टाप देंगे, नीचे पहुँच जाएंगे जहन्नुम में। और वो टू भी कूद भी गया एनिमेश, सही है। मैंने कीप इन्वेंटरी कर रखी है, वरना सारा सामान डूब रहा था। तो मैं गाइस तुम्हें मालूम इनका हम हाथों से स्टोन तोड़ना पड़ता था। तो मैं पानी से नीचे की तरफ जाऊँगा, और नीचे भी एक तरह से एक प्लेन जगह बनाऊँगा, ताकि अगर ऊपर से दवाई मचे तो नीचे के नीचे पहुँच जाए सारे ब्लॉक, और यानी कि एकदम नीचे ना पहुँचे, नीचे लैंड पर ही गिरे वो। बस एक तरह से मैं अपने स्नीफर के लिए जगह बना रहा हूँ, ताकि वो इधर उधर ना गिर जाए यार। नीचे बड़े रेयर मॉब है 1.20 के लिए, तो भाई क्योंकि मैं 1.20 में ऐसे वारों की तरह तो घूमते हुए देखता नहीं उनको। और यहाँ पर जल्दी से लैंड बना लेता हूँ, ताकि मैं उन स्नीफर को एकदम प्रिजन नहीं, मतलब एक तरह से बचा के रखूँ, वो गिरे भी ना नीचे। वैसे भी भारी भरगम शरीर है उनका, नीचे गिर गए जाएंगे और मार वार देगा कोई ना कोई तो। और यहाँ पर सीधे सीधे लैंड बनाना है मेरे को इतना बड़ा, कि अगर ऊपर से कोई बंदा गिरे ना तो लैंड पर गिरे, उसका सामान भी ऊपर ही रहे, बोले नीचे गिर गया तो मैं मान ली मेरा सारा सामान गायब। वैसे तो कीप इन्वेंट्री है, पर ऊपर ही अगर रायता बिखर जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो इसको एक बार करता हूँ, और एक कॉबल स्टोन से एक बनाता हूँ मैं, फिर मतलब एक तरह से हैबिटेट बना रहा हूँ मैं उसके लिए फ़िलहाल तो, वरना उसको एक बहुत बड़ी जगह बनाऊँगा। बस ये अंडे ना फूटे, ये अंडे फूट गए और ड्रॉप नहीं हुए तो हो जाएगी ऐसी तैसी, क्योंकि स्नीफर आ गए हैं भाई। मेरे को ब्रीडिंग करनी है, एक भी गायब ना होना चाहिए, मैं रो दूंगा वरना। और जल्दी से मैं लैंड में आता हूँ, और ओए रिजवान नीचे गिर गया। उतरी, तुमने देखा भी, मैंने देखा, गॉड ने मारा वुल्फ के पिछवाड़े पे और वो उसी तक गिर गया वुल्फ। भाई कितने खतरनाक है यार ये वुल्फ, कह रहा हूँ फॉक्स सॉरी, ये गॉड मेरे ना पिछवाड़े पे मार दे, चले मैं भी नीचे गिर जाऊँ इसको कर दो। अभी मेरे पास ही आ गई है, बड़ी कितनी खतरनाक हुआ, ऊपर से पिछवाड़ा और कर रहा हूँ मैं उसके सामने। चलो फिर भी बच गया, सही है। मैं इनको एकदम अच्छी तरह से कर डाल देता हूँ, पता चले कोई ऊपर से गिरे और क्रीपर व्यूपर ही फूट जाए इनके ऊपर। थोड़ा सा चीज़ें तोड़ लेता हूँ, अब तक देखता हूँ एग फूटता है कि नहीं है। जल्दी से फूट जाए तो अच्छी बात है, पर मेरे को लगता है जल्दी फूटेगा एग, क्योंकि टर्टल एग भी टाइम लगाता है बहुत सारा। डायमंड मिल गया, एक डायमंड ले लेता हूँ, और यस मेरी स्ट्रैटेजी, अगर वो फोड़ देता चेस्ट तो सारे डायमंड मेरे पास ही आ गए। और ये लक्ष्मण रेखा किसने खींची है भाई, ये कैसे खींच दी भाई, बड़ा ख़राब कर दिया वर्ल्ड थोड़ा सा। और यहाँ पर ये डेड बूस्ट लगा रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या हो रहा, छोड़ो कि ये एनिमेश। और मैं अब तक लैंड बनाया था, और एनिमेश मेरी मदद कर रहा है लैंड बनाने में, अब देखते हैं। और तो बस अब मैं रिस्पॉन्स का वेट करूँगा, अगर इस पर बढ़िया रिस्पॉन्स आया तो मैं #2 में बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊँगा। तो बस आज की वीडियो में मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, और सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करो, क्योंकि स्नीफर निकल जाएगा अंडे में से पकता।